एवरीवन, वेलकम बैक टू DIY किचन डायरीज। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल चिकन विद मैश पोटैटोज एंड वेजीज। इसके लिए हमें चाहिए 2 कटे हुए बेबी कैरेट्स, 1 नींबू का रस, बॉइल्ड कॉर्न्स, 3 से 4 बीन्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, 3 से 4 चिकन ब्रेस्ट, 1 कटोरी दही, बटर क्यूब्स, 1 कप दूध, 3 से 4 उबले हुए आलू, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करने का बैटर बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी दही। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको हम चिकन में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हमने चिकन मैरिनेशन के लिए रख दिया है। इसके बाद हम बनाएंगे मैश पोटैटोस। मैश पोटैटोस के लिए हमें 3 से 4 आलू जो हमने उबाले थे उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ध्यान रखें कि आलू गर्म ही रहे, नहीं तो उसमें बटर नहीं पिघलेगा। अब इसमें डालेंगे हम 1 क्यूब बटर और थोड़ा सा दूध। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब इसको ऐसे हम मिक्स करते रहेंगे और हर थोड़ी देर में 3 से 4 बार ऐसे बटर क्यूब्स और दूध डालेंगे जब तक कि इसमें एक क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अब वो क्रीमी टेक्सचर आ गया है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और 1/2 चम्मच काली मिर्च। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे मैश पोटैटोस बिल्कुल रेडी है। अब हम चिकन को ग्रिल करेंगे। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। और इसको गर्म होने देंगे। अब तेल हीट हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले हमारी वेजीज डालेंगे। और इसको अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वेजीज हमारी अच्छे से ग्रिल हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब हम चिकन को ग्रिल करेंगे। चिकन ब्रेस्ट को पैन पे डालेंगे और इसको धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए पका देंगे। अब हमारा चिकन बिल्कुल ग्रिल हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रिल चिकन विद मैश पोटैटोज एंड वेजीज अब बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।